Your Excellency, the Right Honourable Prime Minister Trudeau, distinguished delegates, members, friends from media, भारत के राजकीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री ट्रूडो का स्वागत करके मुझे खुशी हो रही है। हालांकि प्रधानमंत्री के तौर पर यह उनका पहला दौरा है। उन्होंने अपने पिता और तत्कालीन प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो के साथ 1983 में भारत का दौरा किया था। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपका दौरा बहुत समय से प्रतीक्षित था। हमें प्रसन्नता है कि आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आए हैं। हमें यह भी खुशी है कि हमारी आज की मुलाकात से पहले आपने भारत के विभिन्न शहरों का दौरा किया है। वर्ष 2015 में कनाडा की मेरी यात्रा 42 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। तब मैं वैंकूवर, टोरंटो और ओटावा गया था। भारत के प्रति कनाडा की जनता के लगाव और प्रेम का मैंने अनुभव किया। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भी कनाडा के प्रति भारत में गर्मजोशी और स्वाभाविक बंधुत्व का अनुभव किया होगा। उन्होंने हमारे देश की विविधता और हमारे लोकतंत्र की जीवंतता को भी महसूस किया होगा। फ्रेंड्स, कनाडा के साथ अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने को भारत बहुत अधिक महत्व देता है। हमारे संबंध लोकतंत्र, बहुलवाद, कानून की सर्वोच्चता और आपसी संपर्क पर आधारित है। व्यापार और निवेश से लेकर ऊर्जा तक, विज्ञान और इनोवेशन से लेकर शिक्षा और कौशल विकास तक, सागर से लेकर अंतरिक्ष तक, हर सेक्टर में भारत और कनाडा का एक साथ काम कर सकते हैं। हमारी आज की चर्चा में हमने अपने संबंधों के पूरे आयाम की समीक्षा की और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए ठोस उपायों की पहचान की। सबसे पहले हम अपने सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करने पर सहमत हुए हैं। आतंकवाद और उग्रवाद भारत और कनाडा जैसे लोकतांत्रिक बहुलवादी समाजों के लिए खतरा है। इन ताकतों का मुकाबला करने के लिए हमारा साथ आना महत्वपूर्ण है। संप्रदाय का राजनीतिक उद्देश्य के लिए दुरुपयोग करने वालों और बंटवारे की खाई खोदने वालों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमारे देशों की संप्रभुता, एकता और अखंडता को चुनौती देने वालों को भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आतंकवाद और उग्रवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रधानमंत्री ट्रूडो और मैं सहमत हुए हैं। हमारे एनएसएस भी पहले मिले हैं। उन्होंने फ्रेमवर्क फॉर कोऑपरेशन ऑन काउंटरिंग टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को अंतिम रूप दिया है। फ्रेंड्स, हमने अपने आर्थिक संबंधों को भी समीक्षा की है। हम सहमत हुए हैं कि भारत और कनाडा के बीच आर्थिक संबंधों को हम और गहरा बनाएंगे। भारत की तेज और सतत आर्थिक प्रगति और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रचुर अवसर प्रदान करते हैं। कनाडाई पेंशन फंड भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का प्रबल साझेदार बना हुआ है। हमारी आर्थिक साझेदारी के लिए एक संस्थागत ढांचे की व्यवस्था करना भी
आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में बायलेटरल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन एग्रीमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने के लिए हमने अपने वार्ताकारों को प्रयास दोगुना करने का निर्देश दिया है। आज दोनों देशों के सीईओ से भी हमें बातचीत करने का अवसर मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए कनाडा भारतीय विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है। आज कनाडा में 1,20,000 से अधिक भारतीय विद्यार्थी है। एमओयू ऑन हायर एजुकेशन से जिसे आज रिन्यू किया गया है, दोनों पक्ष के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की अधिक आवाजाही को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। मैंने स्किल्ड प्रोफेशनल्स की आवाजाही को बढ़ावा देने और इसे सुगम बनाने के लिए प्रधानमंत्री ट्रूडो से आग्रह किया है। इससे हमारे दोनों देश लाभान्वित होंगे और कन्नड़ाई अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। हमारी टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में विशाल संभावनाएं हैं। हमारे वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं द्वारा नवीन टेक्नोलॉजी और प्रणालियों प्रकाश में लाई जा रही हैं। इनसे भारत एवं कनाडा दोनों ही देशों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कनाडा टेक्नोलॉजी समिट 2017 का पार्टनर कंट्री था। सूचना एवं संचार तकनीक के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकारें सहमत हुई हैं। कनाडा एनर्जी सुपर पावर है और हमारी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। आज हमने अपने एनर्जी डायलॉग का विस्तार करने और हमारे ऊर्जा साझेदारी के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय किया है। हमारे एटॉमिक एनर्जी सहयोग की दृढ़ता यूरेनियम की निर्बाध आपूर्ति से दिखती है। आज हम अपने सहयोग में न्यूक्लियर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन जोड़ रहे हैं। फ्रेंड्स, मेरे मित्र प्रधानमंत्री ट्रूडो और मैंने क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया। अफगानिस्तान की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। अफगानिस्तान की सरकार और वहां की जनता को सीमा पार आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने और एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित, समृद्ध और लोकतांत्रिक अफगानिस्तान के निर्माण में उनके प्रयासों में सहयोग करने की आवश्यकता स्पष्ट है। इंडो पैसिफिक में समुद्री परिवहन की स्वतंत्रता, उत्तर कोरिया से जुड़ी प्रोलिफरेशन की कड़ियों के खतरे और मालदीव में लोकतांत्रिक संस्थानों की स्वतंत्रता की बहाली पर हमारे विचारों में समानता है। हम शांति स्थापना के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के साथ तीसरे देशों में कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी विशेष ध्यान देने पर सहमत हुए हैं। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल संपर्क हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ठोस आधार है। कनाडा स्थित भारतीय समुदाय की उपलब्धियां और उन उपलब्धियों पर हम सभी भारतवासियों को गर्व है। मुझे यह देखकर खुशी है कि प्रधानमंत्री उनमें से बहुत हमारे साथियों को अपने साथ इस दौरे में लाए हैं। कनाडा स्थित भारतीय समुदाय के साथ मित्रता और सद्भावना के निर्माण हेतु हम प्रतिबद्ध हैं और भारत की प्रगति और विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी चाहते हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, भारत कनाडा साझा मूल्यों की एक स्वाभाविक साझेदारी है। मुझे दोनों देशों के बीच अधिक मजबूत साझेदारी और इससे हमारे दोनों देशों के उज्जवल भविष्य की आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद।